शिरोधार्य करना हमारा फर्ज है। कहाँ चूक हो गई? देखिए, वहाँ पहले अगर आपको टिकट की घोषणा होती उसका फायदा मिलता आपको? ये भी बात भी सही है कि जो वर्तमान विधायक थे तो उनका एक जो फील था वो तो था ही था, और एक अवसर था, चलिए अपना बेहतर करने का प्रयास किए, जो भी समय था उसमें अपना बेहतर करने का। एक सवाल आ रहा है गंगोत्री जी, ये हार गंगोत्री जी की है या पार्टी की है? बाबूलाल मरांडी की है, दीपक प्रकाश की है, अर्जुन मुंडा की है, बड़े बड़े नेता आपके लिए आए? देखिए, संगठन है उसमें कहीं ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम कैंडिडेट हैं, लेकिन इसका सिर पूरे ये मैं अपने ऊपर लेती हूँ। ये आप मानती है कमी रह गई? अच्छा, आप चुनाव में बार बार बोलती थी, मैं देख रहा था, जहाँ भी जाती थी बोलती थी कि एक मौका दीजिए, जो पिछले बार मैं नहीं आ पाती थी आप लोगों की शिकायत रहती थी, अब आपको फिर से मौका मिल रहा है कि आपको जाना। जी जी बिल्कुल, मेरा वो ड्यूटी है जनता के लिए, जो भी अपना अपने तरफ से जो वादा रहता है, अपने तरफ से जो प्रॉमिस रहता है, तो उसके लिए मेरा काम वही है, तो उनके पास जाना ही है और उनके लिए काम करना है। आप नहीं जा रही थी तो इसका? नहीं, इसका मैं नहीं जा रही थी ऐसी बात नहीं थी। शिकायत आप कहती थी? शिकायत ऐसा ना, ऐसा हमेशा शिकायत नहीं था, लेकिन दो वर्ष से चूँकि वर्तमान में जो विधायक थे और दो वर्ष से कोरोना काल था, कोरोना काल में भी मैंने आपने स्वयं ही अपने ये पे देखा है कि 67 डेज का जो मेरा कार्य रहा है, तो आप लोगों ने भी सराहा है उस कार्य को, और ऐसा नहीं कि उनके पास जाना नहीं हुआ, लेकिन शायद ऐसा मुझे फील होता है कि वर्तमान और ये मैं उनको ये लगा कि मैं हूँ, तो इसलिए लगातार उनके बीच जाना चाहिए था। आगे दीदी क्या करेंगी? आगे बस उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश की। प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी का जो कार्य है वो मैं करूँगी, लेकिन जनता के बीच जो मेरा रिश्ता है वो निरंतर जीवन पर्यंत कायम रहेगा और उस पर काम करेंगे। थैंक यू।